एक और बड़ी खबर आ रही है, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक स्थगित हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वस्थ होने पर अब यह बैठक होगी। बंशीधर भगत के कोरोना पॉजिटिव होने से यह बैठक टल गई थी। आज होनी थी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक और अब यह बैठक टल गई है क्योंकि बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। तो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक स्थगित हो गई है। आज इस बैठक को होना था। अब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, उनके स्वस्थ होने के बाद इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसकी वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब उनके स्वस्थ होने पर यह बैठक होगी। विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज ये बैठक होनी थी, अब ये स्थगित हो गई है। जी देखिए, आज कार्य समिति की बैठक होनी थी महत्वपूर्ण, और जिस तरह से अब प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद में ये कार्य समिति की बैठक आज आहूत की गई थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। लिहाजा केंद्रीय आलाकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ शाह राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश को ये सूचना दी गई है, जिसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने ये बताया है कि इस बैठक का वो स्थगित कर दिया गया है। और लगातार जिस तरह से अस्पताल में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अभी एडमिट हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उसके कारण तमाम इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी वरिष्ठ और अनेकों इस कार्य विषय पर मंथन होना था, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के चलते कोविड 19 की पुष्टि होने के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी सूचना बंशीधर भगत ने केंद्रीय आलाकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ ही साथ राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश को भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर यही अभी आदेश किया है कि जब तक आप स्वस्थ हो बिल्कुल तो उस बैठक का करना कोई उचित नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वस्थ होंगे उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, तब तक के लिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक स्थगित हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वस्थ होने पर अब यह बैठक होगी। बंशीधर भगत के कोरोना पॉजिटिव होने से यह बैठक टल गई थी। आज होनी थी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक और अब यह बैठक टल गई है क्योंकि बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। तो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक स्थगित हो गई है। आज इस बैठक को होना था। अब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, उनके स्वस्थ होने के बाद इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसकी वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब उनके स्वस्थ होने पर यह बैठक होगी। विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज ये बैठक होनी थी, अब ये स्थगित हो गई है। जी देखिए, आज कार्य समिति की बैठक होनी थी महत्वपूर्ण, और जिस तरह से अब प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद में ये कार्य समिति की बैठक आज आहूत की गई थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। लिहाजा केंद्रीय आलाकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ शाह राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश को ये सूचना दी गई है, जिसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने ये बताया है कि इस बैठक का को स्थगित कर दिया गया है। और लगातार जिस तरह से अस्पताल में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अभी एडमिट हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उसके कारण तमाम इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी वरिष्ठ और अनेकों इस कार्य विषयों पर मंथन होना था, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के चलते कोविड 19 की पुष्टि होने के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी सूचना बंशीधर भगत ने केंद्रीय आलाकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ ही साथ राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश को भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर यही अभी आदेश किया है कि जब तक आप स्वस्थ हो बिल्कुल तो उस बैठक का करना कोई उचित नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वस्थ होंगे उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, तब तक के लिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है।